नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज विरार पुलिस ने एक जिस मामले का खुलासा किया है, वो मामला हर किसी के पैरों तले जमीन खिसका देने वाला मामला है। दरअसल वसई विरार में फर्जीवाड़ा किस कदर हावी है कि यहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 55 बिल्डिंगों के दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। इन 55 बिल्डिंगों की सीसी से लेकर ओसी तक हर दस्तावेज फर्जी दस्तावेज है। हर कागज पर लगा सरकारी स्टैंप फर्जी है, और तो और जिला कलेक्टर के साथ नगर रचना कार्यालय की मोहर फर्जी है। इतना ही नहीं, महानगर पालिका और सिडको के लेटर हेड बनावटी और डुप्लीकेट पाए गए हैं। विरार पुलिस को इन शातिर अपराधियों के पास से एक या दो नहीं, पूरे 150 से ज्यादा फर्जी रबर स्टैंप, जिसमें पालघर कलेक्टर, ठाणे कलेक्टर, वसई रजिस्ट्रार, वसई तहसीलदार, वसई विरार महानगर पालिका नगर रचना विभाग आदि सभी बड़े सरकारी कार्यालय की मोहर शामिल है। वहीं महानगर पालिका के फर्जी लेटर हेड भी पुलिस ने इन आरोपियों से बरामद किए हैं। फरवरी महीने में विरार पुलिस स्टेशन में एक बिल्डिंग की फर्जी सीसी होने की शिकायत तत्कालीन महानगर पालिका प्रभारी सहायक आयुक्त ने दर्ज करवाई थी। उस शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी। तब कड़ी दर कड़ी, एक के बाद एक, कुल 5 आरोपी की गिरफ्तारी की गई, और इन 5 आरोपियों ने पुलिस के सामने इनके द्वारा किए गए इतने बड़े और संगीन अपराध का चिट्ठा खोलकर रख दिया। इस पूरे मामले में आज विरार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कामले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को पूरे मामले की जानकारी दी। वीडियो में आगे सुनिए विरार के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कामले को। ये जो आकस्मिक दस्तावेज है वो बरामद किए गए और कितने आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए, सब इस तरह। विरार पुलिस स्टेशन अंतर्गत जो अपराध क्रमांक 152/2023 है, ये IPC के धारा 420, 470, 468, 471 और MRTP एक्ट के मुताबिक ये FIR दाखिल हुआ था। ये FIR दाखिल करते टाइम वसई विरार महानगर पालिका के सहायक आयुक्त तो है गणेश हीलालाल पाटिल, इन्होंने ये FIR दाखिल किया था। FIR दाखिल करते टाइम उन्होंने ये बताया था कि रुद्रांश ए और रुद्रांश बी, ये जो बिल्डिंग है G+5 फ्लोर का है, ये बिल्डिंग को जो OC और CC मिला है वो बोगस है, और वो बोगस CC के ऊपर से ये FIR बिल्डिंग बनवाया है, इसलिए उन्होंने ये FIR दाखिल किया था। FIR दाखिल करते टाइम उन्होंने जो आरोपी है वो एक का ही नाम दिया था और अननोन दूसरा, ऐसा करके दिया था। जो वो जो बिल्डिंग बनाया है उसका जो जमीन का मालिक है उसी के नाम पर से FIR पहले दाखिल होते टाइम हुआ था। जब हम इन्वेस्टिगेशन करते गए तभी हमने ये जो और आरोपी को ढूंढ लिया। जब आरोपी क्रमांक एक है दिलीप बेनवंशी, तो इसको पूछताछ करते गए कि आपने जो ये बिल्डिंग बनवाया उसके लिए आपका जो CC है बोगस है वो कहाँ से लाया, बोगस OC है वो कहाँ से लाया, बोगस NA ऑर्डर है वो कहाँ से लाया। ये जब हमने उनके पास इंक्वायरी करते करते गए तभी उसने थोड़े थोड़े बताते गया कि आज एक बताते गया तो कल दूसरे का नाम बताएंगे। तो हमने इसमें जो इंक्वायरी करके इसमें जो और 4 आरोपी को अरेस्ट किया, उसमें जो मच्छिंद्र होनमाने है ये मयूर इंटरप्राइजेस के मालिक थे, और ये बनावट जो है, ये बनावट डॉक्यूमेंट सब जो है जो लगते थे वो बनाते थे। ये दिलीप अड़गड़ है, ये भी बनावट जो है, जो भी डॉक्यूमेंट बनता है ये बनाने का काम करते थे। प्रशांत मधुकर पाटिल है, ये जमीन मालिक के भागीदार है, और ये जो है ये आरोपी क्रमांक 2 और 3 के पास ये कस्टमर को लेके जाना, उधर बैठ के काम करना, इसी मुताबिक ये काम करते थे। और जो आरोपी क्रमांक 5 है राजेश नाइक, ये राजेश नाइक ये जो बनावट सिक्के है जो कि अभी मैंने दिखाए, ये बनावट सिक्के बनाने का काम, और इसके लिए जो ये रबर स्टैंप है ये बनाने का काम उसने एक मशीन लिया था, और मशीन लेकर के वो और एक दूसरा आरोपी है वो लोग ये काम करते थे। इसी हिसाब से हमने आज तक मतलब ये इन्वेस्टिगेशन में 5 आरोपी को अरेस्ट किया है, और ये जो आरोपी है वो आरोपियों के ऑफिस से और घर से जो कलेक्टर साहब है थाना के और पालघर के और अपर कलेक्टर है जवार के, इनके 6 सिक्के हैं वो हमने यहाँ पर उनके पास से पंचनामा करके ताबे में लिया है। वसई विरार और ठाणे महानगर पालिका के नगर रचना विभाग के 11 सिक्के हैं जो कि बनावट है वो हमने पंचनामा करके ताबे में लिया है। MMRDA के 2 बनावट सिक्के उसको भी हमने ताबे में लिया है। तहसीलदार वसई के 2 सिक्के है रबरी वो भी बोगस है वो भी हमने लिया है। द्वयम निबंधक वसई और भिवंडी इनके 9 सिक्के है वो हमने ताबे में लिया है।
और एक ग्राम पंचायत वाकसई है और ग्राम पंचायत अकलूल, उनके भी कुछ ग्राम सेवक के और कुछ ग्राम पंचायत के स्टाम्प है, वो बोगस है, वो हमने जब्त किए है। बिल्डर के कुछ 57 स्टाम्प है, वो भी हमने जब्त किया है। कुछ आर्किटेक्चर से है, कुछ बैंक फाइनेंस के, कुल मिलाकर के हमने 115 जो बनावट सिक्के है या आज तक हमने रिकवर किए। उसके सिवा हमने वसई विरार महानगर पालिका के 600 जो है वो ये लेटर पैड है, इनके ऊपर अभी तक तो कुछ लिखा नहीं है, ये 600 हमने यहाँ पर जब्त किए हैं। और सिडको का है वो 500 स्टैम्प पेपर ऐसे है, इनके जिनके ऊपर कुछ लिखा नहीं है, ये सिडको के हमने 500 स्टैम्प पेपर हमने बरामद किए हैं और 5 आरोपी को अरेस्ट किया है और इसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी तक चालू है। सर, इस मामले में किस तरह के दस्तावेज बनाए जाते थे और किस तरह से इस नेक्सस को ऑपरेट किया गया? कुछ आरोपी है वो यहाँ पर कुछ कस्टमर करके लोगों को वहाँ पर लेके जाते थे, उनके पास जिनका जमीन है, वो एक जमीन हो गई उनके पास, तो वो बोगस सीसी बनाते थे, बोगस ओसी बनाते थे, एनए ऑर्डर भी बोगस बनता था उनका। कुछ ऐसी गावठान की जगह है, उसका एक सर्टिफिकेट लगता है, वो गावठान का सर्टिफिकेट लगता है, वो भी उन्होंने जो है बोगस बना करके रेरा का परमिशन के लिए बेचते थे ऑनलाइन में, और रेरा का परमिशन उनको ओरिजिनली मिलता था। कितनी बिल्डिंग उन्होंने डॉक्यूमेंट बना करके देखते थे वो, तो ये ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल अगर वो डॉक्यूमेंट है उसी हिसाब से रेरा भी उनको ऑनलाइन में परमिशन देता था। अभी तक हमने 55 फाइल्स है, वो अलग अलग बिल्डिंग का है, वो बोगस सीसी और बोगस ओसी और बोगस एनए ऑर्डर का हमने यहाँ पर जब्त किया। पुलिस को, महानगर पालिका को लगा कि ये बोगस सीसी की कहाँ से शुरुआत हुई? रुद्रांश ए और रुद्रांश बी जो बिल्डिंग है, ये जो बनवाया है, ये महानगर पालिका लगा था कि इनको सीसी और ओसी बोगस मिला है, उसके हिसाब से जब हमने आगे का इन्वेस्टिगेशन किया तब वो 55 फाइल्स हमको मिला। लोग और बाहर के लोग भी शामिल है, कौन से लोग हैं ये लोग? अभी तक तो 5 मिले, अभी इसके बाद में जितने भी मिलेंगे वो हम सभी के लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कितना बजट नहीं, अभी इसमें बजट बताना तो मुश्किल है क्योंकि वो आगे 55 फाइल है, उनके ऊपर से कोई आता है लेता है। ये एक आरोपी एक ने 7 लाख रुपए थे जो उसमें मुख्य आरोपी अभी बोल सकते हैं वो बिल्डिंग का, और बाकी 2-3 लाख रुपए ऐसे लेते थे हर एक अपना अपना सर, एक कमीशन ये वो लेते थे। सर, एक जानकारी दीजिए कि जो ये दस्तावेज बनाए जाते थे कि वो वसई विरार की महानगर पालिका बनाए जाते थे या भिवंडी थाना जिनका जिक्र कर रहे हैं उन जगहों का भी बनाए गए हैं? अभी उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है आगे का, उनका अगर सीसी मिला है ओसी मिला है तो अगर वो 55 फाइलें उसमें भी उनका भी है क्या, वो सब कुछ देख करके अपने को आगे कहीं। सर, ये बिल्डिंग कहाँ के है सब? ये अभी का जो बिल्डिंग है ये रुद्रांश है और बी ए वसई विरार का ही है, और बाकी जो बिल्डिंग है इसमें से हमने कुछ देखा है वो नाला सोपारा और वसई का है। सर, ये गैंग यहाँ तक सीमित है क्या, फिर थाने भी है मुंबई में भी ये सक्रिय है? नहीं, अभी ये तो इधर के है, अपने इधर के वसई विरार के रहने वाले सभी लोग है। अभी इनके ऊपर से आगे देखना है अपने को कि कौन उनके लिए थाना में कोई है, उनका एजेंट है या क्या है, वो अपने को इन्वेस्टिगेशन का पूरे प्रकरण में महानगर पालिका कमिश्नर से कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, सॉरी, इस प्रकरण पे जो आपने डिटेक्ट किया है इस पे नहीं। अभी महानगर पर कुछ लोगों से मैंने एक आमतौर पर बताया कि मतलब ऐसा ऐसा हमारे पास एक मैटर है, उसके बारे में हम आपके पास इंक्वायरी करने के लिए आने वाले हैं, उसके लिए थोड़ा टाइम आपका देना होगा। ये जो बनाई गई है बिल्डिंग, वो जो फेक सीसी है, इसमें क्या रेसिडेंट्स रहते हैं? 53 बिल्डिंग रेसिडेंट्स, 53 बिल्डिंग में रहते हैं। अभी लोन वगैरह भी हुआ है? लोन बैंक का लोन निकालने के लिए ये लोग सभी बोगस वगैरह बनाते थे, बैंक का लोन भी निकाला होगा मतलब लार्जर स्केल। अभी जो रुद्रांश है, रुद्रांश बिल्डिंग है जो दाखिल हुआ, उसमें कुछ लोगों ने बैंक का लोन भी लिया है। सर, एक बात बताइए, इस पूरे प्रकरण में क्या कॉर्पोरेशन के लोग और स्टार और तमाम लोग इन्वॉल्वमेंट अभी तक आई है कि नहीं आई है? नहीं, अभी तक तो महानगर पालिका किसी का रोल इसमें आया नहीं है, मगर बाद में अभी ये इंक्वायरी करने वाले हैं। कोई लीगल पर्सन, कोई एडवोकेट? लीगल में एडवोकेट वगैरह कुछ नहीं आया, अभी एक एडवोकेट का हमको सिक्के मिले, उसमें अगर कोई है रोल है नहीं है ये देखना पड़ेगा। एक आरोपी है उसके ऊपर दर्ज है जो बनावट स्टैम्प बनाता था, अभी जो अरेस्ट है उसके ऊपर ये पहला ऑफेंस है, मगर दूसरा जो इसमें वांटेड एक्यूज्ड है उसके ऊपर यहाँ पहले दाखिल है, मीरा रोड में एक दाखिल है और पुणे में एक दाखिल है। अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है इसलिए उसके पास हम इंक्वायरी नहीं किया, मगर उसके घर का सर्च किया है हमने,
घर पे तो अभी कुछ नहीं मिला, मगर और उसको हॉस्पिटल में जाकर के मिल करके आए, डॉक्टर से भी बात हुई है हमारी, मगर वो अभी थोड़ा सीरियस कंडीशन में है, इसलिए उनको अरेस्ट नहीं किया। स्टैंप जुटाने के लिए मशीन वगैरह कहाँ से लाए हैं? तो ये मालाड से लाया है उसने, जो स्टैंप रबर स्टैंप खरीद था वो मालाड से उसने। बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं अभी, उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी जो इनलीगल, लोगों को नहीं पता था नहीं, अभी स्टैंप बन के पेपर से बिल्डिंग नहीं, अभी वो लोग तो अभी आज के हिसाब में मेरे पास वो लोग विक्टिम है, अगर उन्होंने कुछ किया है उनका कुछ रोल है तो उनको उसको मैं ब्याह सकता, मगर रोल होना जरूरी है, मेरे पास किसी का भी है आरोपी है तो उसके लिए एविडेंस होना जरूरी है तो ही वो आरोपी बने। सर लोगों को क्या आह्वान करना चाहोगे आप? लोगों को अभी ये आह्वान करना चाहता हूँ, आप जो बिल्डिंग में जो भी फ्लैट ले रहे हो वो फ्लैट लेते टाइम आप बहुत सारी उसके लिए जानकारी लीजिए, उसमें सर्च रिपोर्ट निकालिए, चाहे तो महानगर पालिका में उसका इंक्वायरी कीजिए, जो भी इंक्वायरी किए बगैर यहाँ पर फ्लैट वगैरह मत ले लो। सर वो जो 55 बिल्डिंग है अब उस पर पुलिस किस तरह से कार्रवाई करेगी, जैसे पहले FIR दर्ज किया था, क्या उन 55 बिल्डरों के खिलाफ भी पुलिस आगे कार्रवाई करेगी? अभी वो 55 बिल्डिंग है उसके बारे में हम महानगर पालिका में पूछेंगे कि आपने ये ओसी दिया है नहीं दिया है, इसके बाद अगर नहीं दिया है तो महानगर पालिका, क्योंकि इसमें कंप्लेंट महानगर पालिका बनने का राइट है, तभी हम उसी मुताबिक उनके पास इंक्वायरी करेंगे महानगर पालिका। अभी के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस खबर के बारे में कमेंट करके अपनी राय दीजिए, धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।